नमस्कार छात्रों, मैं आप लोगों की अध्यापिका सुप्रीता। आज हम लोग स्वराक्षर के बाकी अक्षरों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं ये कौन से शब्द है। ओ, चलिए अब इसे किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं ये जानेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे आप लोग आ लिखते हो वैसे ही आ लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक ऊपर एक मात्रा देनी होगी। चलो बच्चों, वो अक्षर से आने वाले कुछ शब्द इस प्रकार है, जैसे तोता, घोड़ा, डोर, मोटा, झोला, सोच, डोसा, थोड़ा, दोना, मोर, बोना, कोट, गोटा, मोती, गोभी, गोपी, छोला, तोप, मोच, रोड। अगला अक्षर है आओ। चलिए इसे किस तरह हम लोग लिख सकते हैं देखते हैं। छात्रों, आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने ओ लिखा है उसी प्रकार मैंने ओ यहाँ पर लिखा है, लेकिन औ की मात्राया दिया हुआ है। आप लोगों की ध्यान में रहे, जैसे हम लोग आ लिखते हैं वैसे ही ओ आओ यहाँ पर आता है। चलिए इस अक्षर को हम लोग औ कहते हैं। अब इस अक्षर से आने वाले कुछ शब्द इस प्रकार है, पौधा, नौका, कौवा, फौजी, मौन, पौष, सौदा, दौड़, तौल, मौसी, चौकी, लौकी, मौज, कौन और खिलौना, तौलिया, नौबत, औरत, नौकरी। अगला अक्षर है अम। इसे किस प्रकार लिखा जाता है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हम लोगों ने जैसे आई ई लिखा है उसी प्रकार लिखकर यहाँ पर एक अम की मात्रा डालनी है। बस हो गया हमारा अक्षर अम। देखो अम अक्षर से आने वाले कुछ शब्द इस प्रकार है, अंग, संग, रंग, तंग, हंस, शंख, ढंग, जंग, संत, कंस, बंद, झंडा, गंदा, अंधा, खंबा, पंजा, लंबा, पंखा, गंगा, फंदा। ये हमारी स्वराक्षर के आखिरी अक्षर है आहा, जिसे हम लोग विसर्ग के नाम से भी जानते हैं, और अम को हम लोग अनुस्वर कहा जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे आप लोगों ने अम लिखा उसी प्रकार इसे भी लिखना है, लेकिन आप लोग जानोगे कि विसर्ग की चिन्ह हम लोग बगल में डाल देते हैं। देखो अहा की मात्रा, अतः, पुनः, नमः, छ, फलतः, शनै, शनै,
परिणामतः। तो आखिरी में हम लोगों को विसर्ग के चिन्ह डालनी होगी। आप लोग जानते हो हम लोग स्वराक्षर को किस प्रकार लिखते हैं ना, तो यहाँ तक था हम लोगों का स्वराक्षर किस प्रकार लिखा जाता है कहकर। आप लोग एक और बार दोहराइए, अ आ इ ई उ रे ए